इस नवरात्रि बहुत कुछ खास है। इस बार 50 साल बाद महाअष्टमी में चार योग बन रहे हैं, जिसके चलते सात राशियों के लिए आशीर्वाद का काल माना जा रहा है। इस दौरान इन राशियों पर धन लक्ष्मी की अपार कृपा होगी और उन्हें तेजी से मुनाफा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं किस राशि पर हो सकती है महालक्ष्मी महागौरी देवी की कृपा। ग्रहों के शुभ योग का क्या होगा इन राशियों पर असर। इस नवरात्रि पर्व में सबसे अच्छे शुभ योग एक साथ आ रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ योग 50 वर्ष बाद भी मिलते हैं। नवरात्रि के दौरान बुध और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इन दोनों की युति तुला राशि में बनेगी, साथ ही लक्ष्मी नारायण योग का संयोग भी बन रहा है। नवरात्रि में महाअष्टमी तिथि का महत्व अद्वितीय है। शारदीय नवरात्रि पर्व में महाअष्टमी आज है। इस दिन महागौरी की पूजा करने की परंपरा है। इस साल की महाअष्टमी बेहद खास मानी जा रही है। इस दिन महानवमी भी प्रारंभ हो रही है। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग और बुधादित्य राजयोग का संयोग बनेगा। इसके चलते मेष कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक और मीन राशि के लिए महाअष्टमी अनुकूल है। इस दौरान इन राशियों के जातकों की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। आर्थिक लाभ मिल सकता है, कारोबार का विस्तार हो सकता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलने की खबरें मिल सकती हैं। वहीं विदेश से व्यापार करने वालों के लिए ये अवधि फायदेमंद हो सकती है। कन्या राशि वाले देश विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति भी हो सकती है। तुला राशि के लिए भाग्य का पूरा सहयोग है। पैतृक संपत्ति का सुख भी उन्हें मिल सकता है। वृश्चिक राशि के लिए करियर से जुड़ी सफलता उन्हें प्राप्त हो सकती है। कामकाजी महिलाएं तरक्की कर सकती हैं। इसी तरह मीन राशि के लिए कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है।